नाहन में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आयोजित जिला स्तरीय बैठक में जिला में गुणात्मक शिक्षा पर चर्चा की। संघ के अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव के बाद पहली जिला स्तरीय बैठक जिला मुख्यालय नाहन स्थित BRC कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्य रूप से गुणात्मक शिक्षा पर चर्चा की कि कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बताया कि इस बैठक में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के साथ साथ शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई। हमारी आज की बैठक में जिला सिरमौर के 14 खंडों के सभी प्रधान महासचिव कोषाध्यक्ष आए हुए हैं, मेरी कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी इस बैठक में है और ये पहली बैठक है। इसमें हमारा गुणात्मक शिक्षा प्रणाली और अध्यापकों के हितों के संबंधित बिंदुओं पर चर्चा होगी। क्वालिटी एजुकेशन के संदर्भ में जैसे सिंगल टीचर स्कूल है वहाँ अध्यापक को नियुक्ति करवाना, टीचरलेस स्कूल है वहाँ अध्यापकों को नियुक्ति करवाना, और हमारे जो स्कूलों में MDM के तहत कुछ खामियां हैं उसको दूर करना है। स्कूलों में अभी हमारे नर्सरी क्लासेस चल रही है पर उसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं है, उसका भी हम विभाग और सरकार के संज्ञान में अपना सरकार को जगाएंगे। और हमारा जो अगला खेलकूद प्रतियोगिता है इसमें कुछ खामियां हैं उनको भी दूर करेंगे, और अध्यापक से संबंधित जो कुछ समस्या है जो अध्यापक को बेनिफिट्स देने हैं, हमारे प्राथमिक सहायक अध्यापक विशेष तौर पर है जो सरकार अभी भी जिनके बारे में नहीं सोच रही है उनको भी हमने न्याय दिलाना है। इस प्रकार से अनेक से मुद्दों पे हम आज विचार विमर्श कर रहे हैं, और कुछ हमारे ऐसी समस्या है जैसे समानांतर शिक्षक संघ है उसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ एक माँ है और इसके लिए हम पूरे जोर से और पूरे नियत से काम करेंगे। इस बैठक में जिला के 14 शिक्षा खंडों से पदाधिकारियों ने भाग लिया। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।